अडानी मामले में सियासत तेज, महा घोटाला बताकर विपक्ष कर रहा है जांच की मांग। विपक्ष ने महा घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की रखी मांग। शेयर्स में असामान्य रूप से देखा गया उतार चढ़ाव। अडानी मसले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बयान, कहा रेगुलेटिंग एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कर रही अपना काम, आर्थिक हालात पर कोई फर्क नहीं। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में आई भारी गिरावट। हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप मामले पर सेबी ने तोड़ी चुप्पी, कहा बाजार से नहीं होने देंगे खिलवाड़। आज लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्यकारी समिति की बुलाई है बैठक। कार्यकारी समिति की बैठक में ज्ञानवापी, समान नागरिक संहिता और धर्म परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में असदुद्दीन ओवैसी सहित और सदस्य होंगे शामिल। 11 बजे से शुरू होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी भी होंगे शामिल। शाम 4 बजे खत्म होगी लॉ बोर्ड की बैठक, बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से होंगे रूबरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में अभी से मैं हूं मुख्यमंत्री का घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया कर्नाटक का प्रभारी, के अन्नामलाई बने सह प्रभारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मनसुख मांडविया चुनाव सह प्रभारी नियुक्त। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व नेता के जे बाबू के पुराने घर में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। दिल्ली सरकार ने G20 की तैयारी के लिए भारत सरकार से मांगे 927 करोड़ रुपए। असम में बाल विवाह पर गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, ओवैसी ने भी पूछा कम उम्र में शादी वाली बेटियों का क्या होगा। बाल विवाह पर गिरफ्तारी के खिलाफ सियासी मोर्चा, ओवैसी ने पूछा सवाल, कांग्रेस भी नाराज, अब तक 2258 लोग गिरफ्तार। दिल्ली एलजी के खिलाफ डिप्टी सीएम सिसोदिया का मोर्चा, कहा उपराज्यपाल ने 7 साल तक सैकड़ों स्कूल प्रिंसिपल की बहाली को रोका, गंदी राजनीतिक आरोप लगाया। गाजीपुर में एसपी नेता काशीनाथ यादव ने स्वर्गीय मुलायम यादव और अखिलेश यादव की तुलना भगवान से करते हुए गीत गा दिया। कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारा, किरण रिजिजू बोले कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश के मालिक है। उधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ किया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे राजभवन में मौजूद। यूपी के ओलंपिक संघ सचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे का बयान, कहा कुश्ती संघ का 2 महीने में होगा चुनाव, 90% हरियाणा के पहलवान है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई ने गुरुद्वारा व्यापारी डॉक्टर से फिरौती की मांग की, व्यापारी से गुर्गो ने 50 लाख की फिरौती मांगी, फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। उधर जबलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन, 5 दिन पैदल चलकर करीब 800 महिला और बच्चे पहुंचे कमिश्नर कार्यालय। सिलीगुड़ी में सिक्किम राज्य में 3 दिनों से हड़ताल का आह्वान, पर्यटक और वाहन चालक चिंतित। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चढ़ा नया रंग, सियासत में कोई पोस्टर लगाकर सुर्खियां बटोर रहा तो कोई बुद्धि शुद्धि यज्ञ का पाठ कर रहा। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिया बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मति काम नहीं कर रही है दिनों। लखनऊ में रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी के बाद दलित समाज ने किया सुंदरकांड का पाठ, अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। कानपुर में 1008 लोगों ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ, स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी को लेकर छात्रों ने बिल्कुल अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में रामचरितमानस पर बयान के बाद स्वामी प्रसाद का विरोध, ब्राह्मण समाज ने स्वामी प्रसाद की निकाली शव यात्रा, की गिरफ्तार करने की मांग। ओडिशा मंत्री हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी पूर्व एएसआई को फिर 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। नैनी झील का जलस्तर गिरा, पर्यटकों को हो सकती है पानी की भारी किल्लत। हर दिन नैनी झील के जलस्तर में 4 इंच से 6 इंच तक की गिरावट, नैनीताल शहर के इर्द गिर्द जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। नैनी झील का जलस्तर घटकर 7 फीट पर पहुंचा, लंबे वक्त से बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह बताई गई। पिछले साल जनवरी में जलस्तर 9 फीट 3 इंच पर था, अब नैनी झील का जलस्तर घटकर पहुंचा 7। जयपुर में हो रहे महाखेल कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के 1 बजे वर्चुअली करेंगे संबोधित।
देवघर की रैली में अमित शाह ने सोरेन सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। कहा झारखंड में घुसपैठिए बढ़ गए हैं, आदिवासी 35% से 24% हो गए हैं। आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कहा मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं एकनाथ शिंदे। सीतामढ़ी में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज। कहा नीतीश कुमार मांग रहे हैं रेल जो असंभव है। मुरादाबाद में एसपी सांसद एसटी हसन का बाबा रामदेव पर बयान। रामदेव दवाइयां बनाते हैं, गोबर और पेशाब भी बेचते रहे तो बेहतर है। उधर मोतिहारी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। करीब आधा दर्जन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरा सांसद आरके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन की ठहराव और प्रस्थान का शुभारंभ किया। लोगों में खुशी की लहर। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या के बाद परिजनों से मिले चिराग पासवान। मृत दंपति के परिजनों को पासवान ने दिए हर संभव मदद करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के निर्देश। पंजाब पुलिस ने लोगों के आपसी विवाद सुलझाने के लिए सांझ दिलसा नाम की योजना शुरुआत की है, जिसके जरिए लोग ऑनलाइन माध्यम से कानूनी सलाह दिलवाने और विवादों को खत्म करने का होगा प्रयास। दिल्ली स्पेशल सेल ने नकली भारतीय मुद्रा के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। मुंबई से आरोपी गिरफ्तार। लोकतांत्रिक पार्टी गुलाम नबी आजाद का विरोध। कुलगाम में प्रभावशाली व्यक्तियों से 1500 कनाल अतिक्रमित भूमि ली गई वापस। असम के धुबरी में बाल विवाह के आरोपी के परिवारों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाल विवाह के आरोप में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। समस्तीपुर में विश्व कैंसर दिवस पर सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। 4 फरवरी से 12 फरवरी के बीच अस्पताल में मरीजों की होगी जांच। वहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम। 8 फरवरी तक अस्पताल में चलेगा अवेयरनेस कैंप। अलीगढ़ में वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर निकाली गई जागरूकता रैली। सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने शिरकत किया। उधर झालावाड़ में नशीले पदार्थ के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जयपुर के गोल्ड कंपनी में काम करने वाले युवक का उसी के दोस्त ने किया अपहरण। पुलिस के हत्थे चढ़ा अपराधी दोस्त। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लग गई जबरदस्त आग। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। अब तक 100 करोड़ रुपए का लगा चुके चूना। आगरा में सॉल्वर गैंग का सरगना गिरफ्तार। एसएससी जीडी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा की तैयारी थी। खरगोन दंगे का 10 महीने से फरार आरोपी रिटायर्ड एएसआई गिरफ्तार। अग्रिम जमानत के लिए पहुंचा था कोर्ट। आगरमालवा में पत्नी ने पति की काटी नाक, पति ने पत्नी की काटी गर्दन। खेत पर हुआ था विवाद। भोपाल में शराब दुकान ठेकेदार ने शराब की दुकान के बाहर लगाया दूध का स्टॉल। 20 रुपए में 1 गिलास बेच रहा है दूध। वलसाड़ में एक कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। नोएडा में रिटायर्ड साइंटिस्ट के घर में दिनदहाड़े चोरी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। उधर पटना में ससुराल आए युवक की गला दबाकर हत्या। अपराधी शव सुनसान जगह पर फेंककर फरार हो गए। आरा में दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। पीड़ित अपने साथी को परीक्षा दिलाने जा रहा था, तभी ताबड़तोड़ गोली मारकर जख्मी कर दिया। फतेहपुर में स्कूल बस ड्राइवर की पीट पीटकर हत्या। दबंगों पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। उधर बेगूसराय में दिन दहाड़े हुए मुखिया हत्याकांड का खुलासा। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। 3 गिरफ्तार। विकासनगर में बहरो सेना के वैलेंटाइन डे के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंप पर कहा जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। उधर असम के धुबरी में बाल विवाह करने वाली युवती ने की आत्महत्या। हजारों महिलाओं ने डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में माइंस में मशीन चला रहे मजदूर की दबने से मौत। पुलिस ने मजदूर के शव को बाहर निकाला। अमृतसर में आग लगाने वाला युवक खुद ही झुलसा, घटना कैमरे में कैद। हरदोई में पुलिस का खुलेआम शराब पीते हुए वीडियो वायरल। एसपी के मीडिया सेल ने ट्वीट करके पुलिस को घेरा, पुलिसकर्मी सस्पेंड। समस्तीपुर में पुलिस ने चोरी हुए 52 मोबाइल लौटाए। बरामद मोबाइल्स की बाजार में कीमत 16 लाख रुपए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सराफा व्यापारी पर फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर में एमडी पाउडर बेचते हुए युवक गिरफ्तार। लग्जरी कार और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद।
मुजफ्फरपुर में एक ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद, ढोल नगाड़ा और साउंड बॉक्स में शराब छुपा कर ले जा रहे थे तस्कर। सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने 9 शराब कारोबारी सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार। सहरसा में आईएएस अधिकारी केके पाठक के वायरल वीडियो पर बोले पप्पू यादव, कहा सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, केके पाठक को आचरण चरित्र और विचार से ईमानदार होने की जरूरत है। उधर जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल पर रेगिस्तानी जहाजों के नाम रहा तीसरा दिन, रोमांचक स्पर्धाओं ने बिखेरा जबरदस्त आकर्षण। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल में सलीम सुलेमान का रंगारंग कार्यक्रम, फेस्टिवल का सबने उठाया आनंद। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, शुरू हुई तैयारियां। पंजाब के फरीदकोट में देश भर से किन्नर ने विश्व शांति की दुआ मांगी, शहर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। श्रीनगर में बच्चियों ने स्नो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, बच्चियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।